चेक करो और कोई हथियार तो नहीं है। उनके सेल फोन्स, बैग वगैरह सब ले लो। डोंट लीव एनीथिंग विद देम। तो मतलब यही है तुम्हारा स्टाइल। हैरी ओ टैंगो को भी तुमने इसी तरह मारा था? छी छी, ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ भी कहिए, आप हमारे देश के लोग हैं, अब हम आप पर गोली थोड़ी चला सकते हैं। This is why you humans are worse than animals. You deceive. You attack the unarmed. कभी वकालत करता था, कभी एनजीओ मनाता था, कभी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गया, अचानक वो एक्टिविस्ट हो गया। अरे बाबा ठीक है, शांति से करो ना। लेकिन अचानक एक दिन टीवी इंटरव्यू में उसने बोल दिया कि जो सारे बिजनेसमैन और सरकारी अफसर शिकारियों और तस्करों के साथ जुड़े हैं वो उनका पर्दाफाश कर देगा। जब उसने हमारी शांति भंग की तो उसे शांत करना पड़ा। आप भूल कर रहे हैं अमल बाबू, मैं यहां आने से पहले देसाई को बोलकर आया हूं कि आप लोग होटल की आड़ में जंगली जानवरों की खाल और दांत का व्यापार करते हैं, जो आप लोगों के लिए लिटिल वाइसरॉय जैसे लोकेशन से करना बहुत आसान है। लेकिन आपके धंधे की तो बैंड ही बज गई महाशय। इससे बेहतर ये होगा कि आप हम दोनों को लेकर सीधे होटल चले जाएं, तो मैं उनसे बात कर सकता हूं और हो सकता है कि आपकी सजा थोड़ी सी कम हो जाए। इसीलिए तो हमें आप इतने स्पेशल लगते हैं मिस्टर काका बाबू। एक पैर कब्र में, दूसरी तरफ लाल मोहन, मगन लाल, मोहन लाल, सब लाले लाल एक हो गए हैं और आप फिर भी डायलॉग पे डायलॉग मारे जा रहे हैं। चारों तरफ देखिए, 30-40 मील तक कोई भी इंसान नहीं मिलेगा और 2 मील जाते जाते हमारे प्राइवेट सर्कस के जीव जंतु आकर आपको सर्कस दिखा जाएंगे। ग्लैडिएटर फिल्म देखी है ना, तो ये हमारा कोलोसियम समझ लीजिए। मासूम जानवरों को मारकर, हम लोगों को मारकर, टूरिस्ट को मारकर बहुत बड़ी बहादुरी दिखा रहे हैं आप। अरे छोड़िए जनाब, जर्मन टूरिस्टों को मैं क्यों मारने लगा? मैं तो नोटों की गड्डियां और भाड़ा देकर लाया था उन्हें जानवरों को मारने के लिए। पता नहीं कहां गायब हो गए, पर इसका एक फायदा जरूर हुआ, इस इलाके में आतंक तो बढ़ गया, टूरिस्ट कम हो गए हैं और अब इसीलिए होटल लिटिल वाइस रॉय के हमें कम दाम देने होंगे उस बूढ़े लिविंगस्टोन को। ठीक है, अब मैं चलता हूं। अब वापस जाकर नाटक करना पड़ेगा, कहानी बनानी पड़ेगी, और कुछ नहीं तो वो पीआर लोहिया, उसके साथ घूस की रकम का सौदा भी करना पड़ेगा। इन देशों में इतना करप्शन है आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग चलते रहिए। क्या हुआ? मुझे इस तरह देखकर काफी हैरानी हो रही है ना, बुरा मत मानिएगा। याद रखिएगा, एक मूर्ख दोस्त से भला
एक अकलमंद दुश्मन होता है। प्राचीन अफ्रीकन कहावत है। आइज़ैक, चलो। आइज़ैक, सबसे आगे जाएंगे वो सबके पीछे भी, रास्ता दिखाएंगे वो, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं।